हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। तो गाइस, आज मैं बहुत टाइम के बाद अपनी ये पनीर वाली रेसिपी लेकर आ रही हूँ। और गाइस, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरी सास ने मेरे लिए जीरा रख रखा है इतना दूसरा, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं थोड़ा जीरा डालती हूँ ज़्यादा इसमें, तो उन्होंने जीरा मेरे लिए कम निकाल के रखा था, क्योंकि वो बोलते हैं मुझे जीरा ज़्यादा पसंद नहीं आता, उनको पनीर ही पसंद नहीं आता। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, तो वो निकाल के मेरी थोड़ा साइड चले गई थी। तो और गाइस, मैंने यहाँ पर पनीर की आज पूरी रेसिपी दिखाई है, आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने गैस पे थोड़ा सा तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल मैं काफ़ी डालती हूँ पनीर में, क्योंकि कम से कम तेल ज़्यादा होता है पनीर में, तभी पनीर अच्छा लगता है। तो गाइज़, मैंने पहले कम से कम 3 चम्मच आप तेल डालिएगा इसमें, डाला और इसको थोड़ा गर्म करके साइड करके निकाल दिया। और थोड़ा सा तेल डाल के इसमें मैंने अदरक लहसुन और प्याज टमाटर और हरी मिर्च को अच्छी तरह से मैंने इसमें मतलब फ्राई किया है, और मैं यहाँ पर भी छील रही हूँ। क्योंकि गाइस, इसका जो हम पेस्ट बनाते हैं ना, पेस्ट बनाने के बाद जब हम इसकी जो ग्रेवी बनती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ इस तरह से ज़रूर ट्राई करना जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अदरक वगैरह सब घर पे थी। अब इस जो सीज़न है ये अभी जाड़े स्टार्ट होने लगे हैं, तो इस टाइम पर आपको घर में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि अदरक भी हमारे घर में मिलेगा और ये टमाटर प्याज तो नॉर्मली रहते ही है खाने के लिए, तो सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। तो गाइज़, इसका जो आप पेस्ट बनाओगे ना, मैं आपको बता नहीं सकती, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है इससे। और मैंने इसमें हल्की सी नमक डाली थी, क्योंकि नमक डाल के टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। तो गाइज़, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। आप चाहें तो आप लो फ्लेम पर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो तेज़ फ्लेम पर भी कर सकते हैं। और गाइज़, ये मेरे जो बर्तन पड़े हैं सिंक में, आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि मुझे पहले सब्ज़ी बनाने रखनी थी, उसके बाद मुझे बर्तन धोने थे, क्योंकि मेरे बर्तन बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मैं अपने रूम से आती हूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्तन मुझे मिल जाते, तो मैंने सोचा पहले अपना ये काम करती हूँ, क्योंकि पनीर में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसको ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं गाइस इसको फिर पीसूँगी मिक्सी में, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले अपना काम ये फटाफट ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं इस चीज़ को बर्तन अपने वगैरह साफ़ कर लूँगी, वरना मुझे भी किचन बिल्कुल क्लीन अच्छा लगता है। तो गाइस, इसको मैं फटाफट से, ये हो चुका है मेरा ठंडा, ठंडा करके मैंने इसको पीस लिया है। और गाइस, मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, और इसमें मैंने गर्म करके पहले जीरा वगैरह सब डाल दिया था, जीरा और तेज़पत्ता डाला, उसके बाद हल्दी मिर्च वगैरह पहले ऊपर से डाल दी थी, उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था वो गाइस मैंने पेस्ट डाल दिया। और गाइस, जो इसको पेस्ट को आप अच्छे से पकाइएगा, जब तक ये बिल्कुल तेल ना छोड़ जाए, क्योंकि सारी जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ मसाला अच्छे से पकने पर ही सब्ज़ी बनती है। चाहे कोई भी सब्ज़ी बनाओ, जब तक मसाला आपका अच्छे से नहीं पकेगा तो वो सब्ज़ी उस तरह से बन ही नहीं सकती। तो गाइस, मैं बहुत अच्छी तरह से मसाले को पकाती हूँ, और मैंने सिर्फ इसमें बेसिक मसाले डाले हैं। और आप चाहो तो, आपके पास है तो पनीर मसाला डाल सकते हो, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अगर वो नहीं है तो किचन किंग है तो आप वो भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो गाइस, मैं तो ये सब डालती हूँ। और कभी ऐसे नहीं हो पाता है कि कोई मसाला नहीं, तो आप गरम मसाला डाल के डाल सकते हो। बट हाँ गाइस, इसमें धनिया आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि धनिया से जिसका टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे मटर वगैरह डाल दिए थे मैंने पहले, वो पक चुके हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको डालना है पनीर। तो यहाँ मैं पनीर ऐड कर रही हूँ। पनीर ऐड करने के बाद गाइस, इसको तो थोड़ी देर बस एक उबाल लगाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मटर हमारे पक चुके हैं। और पनीर गाइस मैं फ्राई नहीं करती, क्योंकि मुझे पनीर इसमें बिल्कुल भी फ्राई पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को पनीर फ्राई पसंद है तो आप कर सकते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें कच्चे पनीर ही अच्छे लगते हैं। उसके ऊपर से मैंने यहाँ धनिया डाला, जो कि गाइस ऑप्शनल तो नहीं बोलूँगी, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मजबूरी तो चल जाती है। अदरवाइज़ है तो आप प्लीज़ इसमें धनिया ज़रूर डालना, क्योंकि धनिए से जो उसका टेस्ट होगा ना, एकदम बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो गाइज़, यहाँ पे मेरी पनीर की सब्ज़ी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी बनी है। और गाइज़, आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत बेसिक है और आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ईजीली बन के तैयार जाती है, बस आपको थोड़ा सा झंझट करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत ही। तो गाइज़, देखिए ये मेरी पनीर की सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार। तो गाइज़, मैंने आज आपको पूरी रेसिपी दे दी है। तो गाइज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।